जैसा कि बेटा जी आप 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स पी द सम ऑफ हूज डिस्टेंसेस फ्रॉम ए एंड बी इज इक्वल टू 10। पी एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस ए के साथ और बी के साथ निकालने के बाद जो दोनों डिस्टेंसेस आएंगे उनका जो सम है वो इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है सभी को, क्या आपको सभी को क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ दिख रहा है? तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5th को अगर मैं रीड करूं तो क्वेश्चन नंबर 5th में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5th में बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स पी द सम ऑफ हूज डिस्टेंसेस फ्रॉम ए एंड बी इज इक्वल टू 10। यानी क्वेश्चन में गिवन है कि पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 10 के बराबर है। यानी एक पी पॉइंट है उसका ए के साथ और बी के साथ जो डिस्टेंस आएगा उन दोनों डिस्टेंसेस को अगर जोड़ दिया जाए वो 10 के बराबर है। क्वेश्चन क्लियर है? तो जो भी आएगा वो इक्वेशन फाइंड करो, इसमें कैलकुलेशन में बहुत गलतियां होती है बच्चे लोगों की, तो प्लीज एक बार तसल्ली से समझना। सबसे पहले हम लेट जो पी पॉइंट है, पी इज एक्स कोमा वाई कोमा जेड, पी पॉइंट मैंने मान लिया पी क्या है एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो अभी हमने ताजा ताजा देखा था कि दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। तो अगर मैं आप सभी से एक बात कहूं कि अगर आपको एक पॉइंट ऑलरेडी पता था ए 4,0,0 और बी -4,0,0 तो क्या आप पी ए निकाल सकते हो? हाँ जी निकाल सकते हैं। एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर और जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा रूट में आएगा, किस में आएगा रूट में आएगा। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। फिर इसके बाद प्लस रूट में ही एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर, इसमें ध्यान रखना जरा एक्स माइनस का तो प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है अभी? जिसमें कि मैं इसको पहले प्रॉपर वे में लिख लेता हूँ कि कई बच्चों की सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ओके दीदी अब आवाज सही आ रही है। एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10। कैलकुलेशन कैसे करनी है प्लीज उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या सबसे पहले क्या करेंगे कि हम रूट को हटाना है। कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते हैं, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी प्लस टू ए भी भूल जाते हैं। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो प्लस टू ए भी आएगा, उसकी वजह से वो रूट दो रूट की जो इंटू होगी वो बहुत तगड़ी बैठ जाएगी, मतलब बहुत टिपिकल रहेगा। तो क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, किसी भी एक रूट को राइट हैंड साइड लेके जाओ। बताओ इनमें से किसी एक रूट को राइट हैंड साइड ले आना है, मैं उसी रूट को राइट हैंड साइड ले आऊंगा। बताओ पहला वाला या दूसरा वाला, कोई भी फोर वाले को। कौन सा वाला? एक्स प्लस फोर वाला जो है। ठीक है, यानी एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज जेड स्क्वायर एज इट इज 10 माइनस रूट में एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या करा? स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सिर्फ समझाने के लिए मैं ये वाला स्टेप करूंगा। कौन सा? ये वाला 10 माइनस रूट एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर। सर आपकी वॉइस कम हो रही है। जी जी समझ तो आ रहा है ना, अभी कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा है ना, ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्वायर जब मैं करूंगा तो रूट हट जाएगा। ओके जी जी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा, माइनस टू ए बी 2 × 10 इंटू रूट वाला पोर्शन मत भूल जाना लिखना, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग अगर बात कर जाए तो 2√ab यानी 2ab a b b की वैल्यू क्या है x प्लस फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बच्चे लोग बस यही गलती करते हैं अगर करते हैं तो। क्लियर है? क्या करा है बट्टा जी मैंने? बोलो हाँ। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब इसके बाद
स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर प्लस बी सर आपकी स्क्वायर आवाज नहीं आ रही माइनस और एट बहुत ज्यादा एक्स लैग कर रहा है। ओके जी, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने पे फोकस करें। क्या आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? क्योंकि इसमें सिर्फ मैं कैलकुलेशन ही कर रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं इस बार आप बीच में नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस के 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 20 रूट में एज इट इज एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या कराया बेटा जी मैंने? एवी का बेटा, पहले मुझे एक चीज ये ध्यान से देख के बताओ कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आपको जितना मैंने कराया है? जी, अब तो बोल दो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक सभी को? सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 10, जैसा क्वेश्चन में बोला गया था। पी ए निकाला, पी बी निकाला, इक्वल टू 10 रखा। फिर क्या करा क्वेश्चन में, अब स्क्वायर अगर एक साथ कर देता तो बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, 2ab में दोनों रूट को लिखना भूल जाते और कहते हैं आंसर नहीं आया। तो क्या करेंगे, और अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए क्या करा, पहले किसी एक रूट को राइट हैंड साइड ले जाओ, चाहे लेफ्ट हैंड साइड वाला या बाद वाला। तो मैंने एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर वाला राइट हैंड साइड ले गया, स्क्वायर रूट बोथ साइड करा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करा। 2ab लिखना भूलना मत। अब मैं क्या करा, कैलकुलेशन में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, दिख रहा है सभी को? वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत? फिर 16 से 16 भी कट गया। जो ये 8x है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आया, 8x माइनस 8x 100 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आया, इज इक्वल टू में माइनस के 20 के साथ देखो क्या बचा है, ध्यान से देखिएगा। माइनस 20 के साथ बचा है रूट के एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर? माइनस 16x माइनस 100 माइनस 20 रूट एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस 4 से सब डिवाइड होने हैं, तो 4x प्लस के 25, 4 5 जा 20 रूट एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। फिर अगर बात करी जाए अगेन, तो मैं स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दूंगा। क्या करा मैंने, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो 4x प्लस 25 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और इधर का रूट हट जाएगा, इधर का रूट हट जाएगा। यहां तक किस क्लियर है, बोलो हाँ। फिर इसके बाद कैलकुलेशन जरा ध्यान से सुनते चलना। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 16x स्क्वायर 25 की 25 से जब इंटू करूँगा तो कितना आएगा, 625 प्लस 25 इंटू 400, 100 इंटू 2, 200, तो 200x इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर प्लस 4, 4 जा 16, 16 8x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस के वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को? अब दोनों चीजों की 25 से पहले इंटू करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यूज है उसे राइट हैंड साइड ले जाओ। क्लियर है बेटा? जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज हैं इन सारी वैल्यूज को राइट हैंड साइड ले जाओ, देखते हैं क्या वैल्यूज आती हैं। तो पहले तो 25 एक्स स्क्वायर डन, फिर अगर बात करी जाए प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 की 8 से जब इंटू करूंगा तो कितना आएगा बेटा जी, 25 इंटू 8 200x, यस और नो? और 200x ये वाला माइनस का आ जाएगा। क्लियर? प्लस 25 की जब 16 से इंटू करो तो 400 माइनस के 625 आंसर आ जाएगा क्या, सभी एक बार चेक कर लीजिएगा, 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर प्लस 200x से 200x कट गया, ठीक है, और 400 माइनस 625 माइनस के 225।
आया समझ? बोलो हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? ये वाला क्वेश्चन किसी को कुछ पूछना है? क्या करा है मैंने? कार्तिक बेटा समझ आ गया आपको? ठीक है, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट।